हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं रिनोल्ट की लोजी कार है, डीजल कार है, 2015 का मॉडल है। इसका जो कंट्रोल पैनल में है, ये जो एयर डायरेक्शन मोड बटन जो रहता है, आप हवा पैर पे कांच पे सामने जहां लेते हैं, ये बटन बहुत हार्ड चल रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है। इधर चल रहा है यहां तक, पर इधर नहीं आ रहा है। तो हमने इसको पहले खोला, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको खोलने के बाद यहां से हमने ग्रीसिंग वगैरह किया, लेकिन बट ये काम नहीं कर रहा है, जैसा था वैसा ही है। तो इसके लिए हमें डैशबोर्ड खोलने की जरूरत है, क्योंकि इसका फ्लैप जो है अंदर दिया है, यहां से तो दिख नहीं रहा होगा, अंदर दिया है। वो केबल जो देख रहे हैं, वो ब्लैक कलर की केबल वो है। तो इसके लिए हमें इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, खोल के फिर हम फ्लैप को देखेंगे क्या हुआ है, रिपेयर करने जैसा है या नहीं है। हम उसको खोलेंगे, खोल के फिर देखेंगे क्या हुआ है एक्चुअल में, क्यों ऐसा जाम चल रहा है। तो हम इसकी डैशबोर्ड को खोलने जा रहे हैं। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्टेयरिंग के ये कवर जो है, दो कवर निकाल दिया हूँ। अब ये एयरबैग जो है, इसका एयरबैग निकालना पड़ेगा। एयरबैग का नीचे लॉक रहता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालने का रहता है। यहाँ जो ये लॉक दिया है, इसको माइनस, इसको डॉर से अगर इसको ऐसे कटाने का, तो इजीली अंदर चला गया। इसमें तीन लॉक दिया हुआ रहता है, एक ये रही, यहां से इसको डॉर डालने का, ये रही इसका दूसरा लॉक, इसको ऐसे ये भी निकल चुका है, आप देख रहे हैं। अब रही एक और तीसरा लॉक, ये रही तीसरा लॉक, इसको भी निकालना पड़ेगा आपको। ये रही तीसरा लॉक, इसमें हमने इसको डाला, इसको ये डाल के इसको इधर खींच लेने का और वो अंदर दबा देने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुल चुका है। अब ये इजीली बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ चुका, और इसमें सॉकेट रहती है, वो निकाल देते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये वाली सॉकेट है, ये सॉकेट को खींच के ये निकल गया, उसके बाद इसको आसानी से ये ऊपर आ जाता है। आपको हम ये सब निकाल के सब बता रहे हैं फिर आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉकेट भी निकल चुकी है, अब हम इसको पीछे रख देते हैं। मैंने उसको पीछे रख दिया, अब ये स्टेयरिंग को सीधा करके लॉक करके इसको खोलने का रहता है, सीधा पोजीशन में लॉक करके खोल देने का रहता है। फिर आगे हम इसमें एक 50 नंबर की एलेंकी दिया है, इसको खोल देते हैं हम। इसको खोलने के बाद एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों सॉकेट हम निकाल देंगे। फिर निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये दोनों सॉकेट निकाल दिए हैं, अब ये स्टेयरिंग इजीली बाहर आ जाएगा। ये रही स्टेयरिंग, बाहर निकाल के फिर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको स्टेयरिंग को निकाल चुके हैं। अब ये रिंग रही, ये रिंग को आपको जरूरत नहीं है कि आप लॉक करें इसको, कोई जरूरी नहीं है लॉक करना इसको, क्योंकि जो वो स्प्रिंग वाली एक अलग टाइप का रिंग आता है, उसको लॉक करने का रहता है। आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ स्टेयरिंग सीधा करके खोल दें आप। फिर आगे हम इसको निकालते हैं, ये हेडलाइट का जो बटन वगैरह इसमें है, सब सॉकेट वगैरह सब हम आप देख रहे हैं, मैं सभी सॉकेट निकाल चुका हूँ। ये रही दो सॉकेट पीछे जो लगी रहती है, ये दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ। उसके बाद एक ये सॉकेट, तीन सॉकेट ये और एक सॉकेट ये, सब निकाल दिया हूँ। और इसमें एक एलेंकी रहता है, यहाँ पर एक एलेंकी रहता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एलेंकी रहता है, ये एलेंकी खोल देने का और ये इजीली आपका पूरा बाहर आ जाएगा, और इसको पीछे कहीं होल्ड कर देने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेयरिंग पूरी हम निकाल चुके हैं, अब हम मीटर वगैरह निकाल के आपको दिखाएंगे।
जब हम जैसा जब तक खोल लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 20 नंबर की 1, 2, 3, 4 एलिंग की था, वो चारों एलिंग की खोल दिए हमने। ऊपर का पैनल था वो भी खोल दिया। अब हम इसको बाहर ले लेते हैं। बाहर से लेने के बाद देख रहे हैं आप, यहाँ एक सॉकेट दिया हुआ है, ये रही सॉकेट। ये सॉकेट को इधर प्रेस करने का और ये इजीली निकल जाता है, ये निकल गया। अब हम इसको पीछे ले लेते हैं और इसके बाद ये सब एलिंकी है, 1, 2 एलिंकी है, उसके बाद एक एलिंकी यहाँ है, 4 नंबर की एलिंकी है। और ये सब खोलने के बाद हम देख रहे हैं ये कंसोल बॉक्स भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कंसोल बॉक्स को पीछे ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एलिंकी दिया है, एलिंकी लेके इसको निकाल देने का, इसे निकल जाता है। उसके बाद यहाँ एक 10 नंबर रहता है, उसको खोल लेने का। खोलने के बाद इसको अपने तरफ खींच लेने का और ये जो लॉक दिया है उसको ऐसे निकाल देने का और ये पूरा बाहर आ जाएगा। फिर हम बाहर लेके आपको दिखा रहे हैं। ये जो ये दिया है वाइट कलर का फाइबर, ये कपड़े में से निकाल देने का। उसके बाद ये इजीली आराम से निकल जाएगा। इसमें एक सॉकेट दिया है, सॉकेट भी निकाल देने का। सॉकेट निकल गया। अब इसको हम पीछे रख देते हैं, पूरा सब खुल चुका है यहाँ का। अब फिर हम ग्लो बॉक्स के पास के जो स्क्रू है वो सब खोलेंगे। फिर खोल के आपको टूल बॉक्स का जो ये जो दिख रहा है ग्लो बॉक्स का, ये दोनों लॉक निकाल देने का है और टूल बॉक्स को इजीली नीचे ले लेने का है, ताकि आपको काम करने के लिए अच्छा रहे। और ये दो एलिंकी है, ये दो एलिंकी खोल देने का। अंदर ओबीडी का सॉकेट दिया है, ओबीडी स्कैन करने वाली जो सॉकेट है यहाँ दिया है ग्लो बॉक्स के अंदर। इसको लॉक ये करके अंदर डाल देने का, निकाल देने का। ये अंदर चला गया और ये दोनों एलिंकी खोल देने का। खोल दिया मैंने, जैसा कि आपने देखा मैंने सभी स्क्रू वगैरह सब खोल दिया है। ये हेडलाइट का था ये वाली बटन, और इसमें दो स्क्रू था वो भी खोल दिया हूँ, और यहाँ पे एक स्क्रू था वो भी खोल दिया हूँ। देखो डैशबोर्ड पूरा आगे आ रहा है, पूरा आगे आ चुका है डैशबोर्ड। ये क्लिप है, ये निकाल देता हूँ। और इधर के सब स्क्रू खोल चुका हूँ मैं, और बाकी रहा ये यहाँ की भी सब स्क्रू खोल दिया हूँ। और ये जो सॉकेट है डैशबोर्ड थोड़ा बाहर आ गया अभी, देख रहे हैं। और ये वाली सॉकेट निकाल देने का, जो कि एयरबैग की सॉकेट है, सामने पैसेंजर एयरबैग की सॉकेट है ये, इसको निकाल देने का। आराम से खोलने का इसको, निकाल के निकाल दिया हूँ, एयरबैग की सॉकेट है। बाकी अब हम डैशबोर्ड को बाहर निकाल के फिर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, लोजी की डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है। अब देख रहे हैं पूरी डैशबोर्ड खुल चुकी है। अब हम इसको कंट्रोल पैनल जो है यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर सब दिख रहा है सही, पर ये यहाँ अभी भी स्लीपी मार रहा है। मतलब इसका फ्लैप कहीं ना कहीं किधर ना किधर जाम है, तो हम इसके लिए हमारे को एंगल खोलने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, पहले हम बाहर से इसको ट्राई करके देख लेते हैं। फिर आप जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ से हम इसको घुमा रहे हैं तो प्रॉपरली घूम रहा है, थोड़ा जाम है, तो हम इसको ग्रीसिंग करके फिर आपको देखते दिखाएंगे कि फ्री होता है क्या नहीं। हम इसमें थोड़ा ग्रीस डाल देते हैं, ग्रीस डालने के बाद फिर आप। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल पैनल खोल के बाहर ले लिया है इसका, क्योंकि इसका बटन ही जाम चल रहा है। वो जो बटन है डायरेक्शन मोड का, ये बटन ही जाम चल रहा है, इसकी वजह से हम दूसरा कंट्रोल पैनल लाए हैं। इसका बटन फ्री है तो ये बटन इसमें हम चेंज कर देंगे, चेंज करके फिर देखेंगे चलता है क्या नहीं बरोबर। अंदर से केबल बरोबर चल रहा है, फ्लैप बरोबर चल रहा है, लेकिन यही बटन जाम चल रहा है, इसकी वजह से टाइट जा रहा था। हम इसकी वजह से कंट्रोल पैनल का बटन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाड़ी में जो लगी हुई थी वो कंट्रोल पैनल है, तो हम इसका ये वाला जो बटन है यहाँ से खोल देंगे। आप देख रहे हैं हम सब इसको छुट्टा कर चुके हैं, सब बटन वगैरह सब निकाल चुके हैं, ये देखिए सब पूरा निकाल चुके हैं। तो हम ये बटन खोल के इसका बटन इसमें लगाएंगे, यानी ये वाला बटन इसमें लगाएंगे, देखते हैं बैठता है क्या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। बैठ जाना चाहिए, फिर आपको आगे दिखाते हैं, इसको भी खोल के इसमें बैठा करके दिखाएंगे। बैठ गया तो ठीक है। देख रहे हैं मैंने जो इसका बटन निकाला, ये जूने वाले का है और ये नए वाले का है, तो दोनों का बटन सेम ही दिख रहा है मेरे को। हम इसमें लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, फिटिंग हो जाएगा,
और आप तो ये बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल पैनल क्यों नहीं फिट कर दिया, क्योंकि इसका सर्किट जो है अलग दिया है। इसमें कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगी रहती है, ये डायरेक्ट, ये जो सेंसर दिख रही है कूलिंग कॉइल में, टेम्परेचर सेंसर, ये डायरेक्ट यहीं से कंट्रोल पैनल से ही दे दिया है, लेकिन इसमें वो सेंसर यहाँ नहीं दिया है। इसकी वजह से ये कंट्रोल पैनल इसमें नहीं बैठेगा। इसकी वजह से हम इसी को रिपेयर करेंगे, यानी दूसरे बटन को इसमें डालेंगे, देखते हैं फिर फिटिंग करके हम दूसरा कंट्रोल पैनल का बटन इसमें डाल के देखेंगे होता है क्या नहीं होता है, चेक करते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर का फिटिंग, ये कैसे बैठता है। ये इसको यहाँ बैठाने के बाद, तो लॉक में बैठाने के बाद, फिर इसको ये इधर ये जाएगा, इधर स्लाइड होगा। हम इसको बैठा चुके हैं अभी, अब हम इसके ऊपर का कवर लगा देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये बटन भी चेंज कर चुके हैं, ये वाली ग्रीन वाली बटन भी चेंज कर चुके हैं। अब हम इसको फिटिंग करके फिर आप देख रहे हैं, ये भी फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली घूम रहा है, ये अभी देख रहे हैं फ्रीली घूम रहा है। हम इसका फिटिंग कर चुके हैं, आप देख लीजिए फ्रीली घूम रहा है, ये प्रॉपर चल रहा है अभी। चलो हम इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं कि फिटिंग करने के बाद चल रहा है क्या नहीं। मैंने इसका ये जो कंट्रोल पैनल दिख रही है, इसका मैंने वो बटन चेंज करके इसमें लगा दिया हूँ। अब देखते हैं अंदर फिटिंग करके चलता है क्या नहीं चलता है प्रॉपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको फिट कर चुका है, फिट कर दिए हैं और केबल भी सब लगा दिए हैं, तीनों के तीनों केबल लगा दिए हैं और ये भी केबल लग चुका है। अब मैं यहाँ से इसको रोटेशन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ऑयल है, जैसे इसे हाथ स्लिप हो रहा है इसलिए मैंने कपड़ा लिया है। अब देखते हैं इसको, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ तक आ गया लास्ट पे, और उसके बाद इधर भी लेता हूँ तो फ्लैप भी देखिए, फ्लैप भी आ रहा है इजीली प्रॉपर। आप यहाँ भी देख रहे हैं, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ तक आ चुका है ये। अब हम और एक चीज़ बोलना भूल गया कि जो कूलिंग कॉइल का जो सेंसर है, ये रही जो सेंसर, ये इजीली यहाँ बैठता है, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये होल में बैठता है ये। इसका सेंसर का वायर डायरेक्ट ये जो वायर दिख रही है, डायरेक्ट आपको कंट्रोल पैनल में ही दिया हो रहता है। उसकी सॉकेट ये वाली सॉकेट है, ये वाली सॉकेट है, ये सॉकेट है। तो चलो अब हम इसको फिटिंग करते हैं डैशबोर्ड। इसका फिटिंग करने के बाद फिर आपको फिटिंग करने के बाद प्रॉपर घुमा के दिखाता हूँ कि घूमता है क्या नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको फिट कर चुका हूँ। अब डैशबोर्ड लगभग फिटिंग ऐसे ही किया हूँ, स्क्रू लगाया नहीं कुछ, ऐसे ही लगा के रखा हूँ और इसको घुमा के देख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर घूम रहा है, अभी प्रॉपर चल रहा है, कहीं पे अटक नहीं रहा है वो, यानी अपना रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम आगे इसको डैशबोर्ड फिटिंग करके, जैसा कि आप देख रहे हैं बटन प्रॉपर हो चुका है, सब सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, स्टार्ट बटन भी प्रॉपर हो चुका है, यानी ऑल सिस्टम प्रॉपरली वर्क हो चुका है। देख रहे हैं डैशबोर्ड पूरी फिट हो चुकी है, और अपन जो ये रिपेयर किए थे, ये फ्लैप मोड बटन का, वो भी प्रॉपर हो चुका है, यानी सभी सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। हेलो गाइस, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज।